Hey everyone, welcome to Crack Defense Exam channel. This video is a part 3 of our continuous series, How Can Girls Join Indian Armed Force? In this video, I will talk you about how can girls join Indian Navy. So basically, in the first part, I covered the Indian Army, where we discuss about CDS, NCC, SSC check, and JAG entry. In our second video, we discuss about Indian Air Force, where we discuss FCAT exam and NCC. With this, I also discuss about the notification, which is released on 30th of November, and the application start from 1st of December. In this video, I'm going to discuss about Indian Navy. How can you join the Indian Navy if you are a girl? ठीक है, कैसे आप जहाज, कैसे आप शिप, समुद्र की जिंदगी देख सकते हो, कैसे आप समुद्र से बातें कर सकते हो अगर आप एक गर्ल हो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. द फर्स्ट 21 साल गर्ल्स 2019 से ही इंडियन नेवी ने एक एग्जाम कंडक्ट कराना स्टार्ट कराया है. दैट्स कॉल्ड INET, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, जैसे बाकी एग्जाम्स होते हैं, सेम वैसे ही एग्जाम्स की तरह इसकी जो एज है वो 18 टू 24 इयर्स है. ओके, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो गाइस 60% मार्क्स इन एग्रीगेट चाहिए. और जिसमें ग्रेजुएशन होती है ना, वो मोस्टली इंजीनियर्स की ही होती है. मोस्टली अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपके पास सिंपली ग्रेजुएशन है, सिंपल बीएससी वगैरह, तो इसमें अप्लाई आप नहीं कर सकते. ज़्यादातर मोस्टली इसकी क्या कहते हैं, इंजीनियर्स के लिए ही आता है. ठीक है, आप अगर आपके पास एमएससी हो या मास्टर्स हो फिजिक्स या मैथ में, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस. अदरवाइज ज़्यादातर इसके लिए इंजीनियर्स ही अप्लाई करते हैं. ओके, लेट्स कम टू आवर सेकेंड स्लाइड. इन आवर सेकेंड स्लाइड यहाँ पे है UE इज एग्जीक्यूटिव ब्रांच. गाइस, इसके लिए इंडियन नेवी एग्जाम कंडक्ट कराता है. ये साल में दो बार होता है, या फिर UES या फिर एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस के लिए. इसमें आपको चार पांच तरीके की ब्रांचेस मिल जाएगी, जैसे नेवल आर्किटेक्चर, ओके, नेवल आर्मामेंट, इंस्पेक्शन कैडर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स और लॉ. ठीक है, तो इन छह ब्रांचेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू UES और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस के एग्जाम के थ्रू. गाइस, ये एक डायरेक्ट एंट्री होती है. ठीक है, और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होती है वो भी ज़्यादातर इंजीनियरिंग ही होती है ज़्यादातर ब्रांचेस के लिए. लॉ के लिए LLB हो गई, अदरवाइज सभी ब्रांचेस के लिए ज़्यादातर इंजीनियरिंग ही होती है इस UES में भी. ओके, तो ये टू इम्पॉर्टेंट एंट्रीज हैं इंडियन नेवी की. इसके अलावा मैंने सोचा कि जो इसकी जो एज होती है वो 18 टू 24 होती है. यूई इस एग्जीक्यूटिव ब्रांच की जो एंट्री होती है वो 18 टू 24 होती है. ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि इंडियन नेवी के साथ ही भारतीय तटरक्षक बल होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट. तो इसकी अलग वीडियो ना बना के मैं इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल को भी इंडियन नेवी की वीडियो में ही इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि ये भी पानी से रिलेटेड ही होता है. ठीक है गाइज, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 60% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट. आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, BSc, BBA, BA, BCom, doesn't matter, लेकिन आपके पास 12th में आपने जो पास की हो 12th, वो मैथ्स और फिजिक्स से की हो इंडिविजुअली विद 60% मार्क्स एग्रीगेट. ठीक है गाइज, इसमें भी दो तरीके की ब्रांचेस होती हैं, जनरल ड्यूटी और लॉ. अगर आपको लॉ के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए. LLB कैसे भी हो सकता है, वो 5 साल वाला भी, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था, जो आफ्टर 12th होता है, और 3+3 मीन्स 3 ईयर्स ग्रेजुएशन प्लस 3 ईयर्स LLB वाला भी हो सकता है. ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में जो मेरा ये थर्ड पार्ट था अपनी सीरीज का, इसमें मैंने बताया कि इंडियन नेवी में गर्ल्स को, अगर आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं. देयर आर टू वेज फॉर इंडियन नेवी. नंबर 1 इज INET,
इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट जिसमें ज़्यादातर इंजीनियर्स ही होते हैं, एंड सेकंड वन इज यूएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है, जो कि डायरेक्ट एंट्री होती है, इसमें भी मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स होते हैं। इसी के साथ आपको एक इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का भी ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम होता है। ये तीनों ही ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम है और उसमें आपको 12th में मैथ्स या फिजिक्स आपके पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन आपके पास 60% होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने इंडियन नेवी कवर कर लिया है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे अपडेट चाहिए तो यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिफेंस हीरोज, ओके। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो जॉइन माई फेसबुक, ओके, दैट इज अ करेक्ट डिफेंस एग्जाम, और इसका पेज भी बन चुका है, पेज का लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। फॉर मोर फर्दर अपडेट्स आप मेरे आहना सिंह को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9689 4060, आप इस नंबर पे भी मुझे अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। और मैं आपको एक फर्दर इंफॉर्मेशन दे दूं, कल मॉर्निंग में मैं जो इस सीरीज का लास्ट वीडियो है, इट इज़ द फोर्थ वीडियो, जिसमें मैं बात करूंगी आपसे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में, नर्सिंग के बारे में, और जो भी कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नॉन ऑफिसर लेवल का बचा होगा उस वीडियो को कंप्लीट करके मैं ये सीरीज अपनी कंप्लीट कर दूंगी। एक बात याद रखिएगा, जितने भी मैंने आपको तीन पार्टी कराए हैं, आज वाला और पिछले दो, ये सारे ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम हैं, और कल जो मैं वीडियो कराऊंगी आपको मॉर्निंग में जो अपलोड होगी वो नॉन ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम है, और कुछ उसमें अदर एग्ज़ाम्स भी होंगे जिसमें आप इंडियन डिफेंस में ज्वाइन कर सकते हो उन एग्ज़ाम्स के थ्रू, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि कल रात में ही मैं बॉयज़ का वीडियो भी ले आऊँ, क्योंकि बॉयज़ बहुत वेट कर रहे हैं कि जो 12th पास आउट है कि उन्हें पता चले कि कौन से वो एग्ज़ाम्स हैं जिनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं बॉयज़ को एक हिंट दे दूं कि मेजॉरिटी ऑफ एग्ज़ाम्स में बॉयज़ के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं होती, वो अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टिल एज आई प्रॉमिस यू मैं डेफिनेटली बॉयज़ के लिए कल वीडियो लाऊंगी, ठीक है। एंड आई ट्राई, मैं कोशिश करूंगी कि अगर कल बॉयज़ के लिए वीडियो ना आए तो एटलीस्ट सैटरडे की मॉर्निंग में तो पक्का अपलोड हो ही जाएगा वो वीडियो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपना आपके साथ शेड्यूल डिस्कस करके कि हम कब से अपने सीरियस और एफकेट की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। इधर फ्रॉम मंडे और ट्यूसडे आई विल स्टार्टेड माय सीरियस और एफकेट प्रिपरेशन थ्रू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है और आप इस साल 2021 में एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूँगी, मैं आपको सिलेबस का एक अलग वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। बोथ सीरियस और एफकेट के सिलेबस का एक अलग अलग वीडियो आएगा, अगर अलग नहीं कर दिया तो मैंने एक में कंपाइल अप कर दूंगी, और एक बुक लिस्ट का भी वीडियो आएगा, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि बुक लिस्ट क्या रहने वाली है और हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। मैं हम सिलेबस से इधर उधर नहीं भटकेंगे, ठीक है, सिलेबस पे ही रहेंगे, और बुक लिस्ट जो मैं आपको बताऊँगी आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। और जब हम बुक लिस्ट और सिलेबस पढ़ लेंगे उसके बाद हम अपनी सीरियस की और एफकेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आई स्टार्ट फ्रॉम मंडे, वैसे मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, संडे में मैं ट्राई करूँगी कि आपको बुक लिस्ट एज वेल एज आपके पास सिलेबस दोनों के वीडियोस मैं अपलोड कर दूँ, एटलीस्ट इवनिंग तक तो आपके पास अपलोड हो जाएंगे। अगेन मैं कह रही हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, सीरियसली आपको यहाँ पे बहुत बेनिफिट होएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे विद एन एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन, आपको कहीं भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
being continuously being, मतलब आप मेरे साथ कॉन्टिन्यूटी में बने रहेंगे, आप ऐसा नहीं कि आप एक वीडियो देख रहे हैं फिर आप दूसरे, ऐसा आपकी कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप में सीरियसनेस खत्म हो जाती है, वैसे भी 2 महीने रह चुके हैं, 7 तारीख को सी डी एस का एग्जाम है, 7 फरवरी को और 20 और 21 फरवरी को एफ कट एग्जाम्स का, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में मैंने सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है आपको अपने फ्यूचर शेड्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो मैं समझ सकती हूँ, तो मैं ये आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आपने भी अपने मन में अपना फ्यूचर प्लान तैयार कर लिया होगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे जाने वाली है, ओके। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ओके। आई होप यू लाइक इट, यू एंजॉय इट। उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो के बारे में, बहुत अच्छा एक रफ प्लान मिल गया होगा, ठीक है गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नाउ गिव अप, बाय बाय, गुड नाइट।